जो गुफ्तगू हो रही थी वो सिलसिला बयान
इस मकाम तक पहुंचा कि इंसान जब तमाम सहारों से नाउम्मीद हो जाता है, उस वक्त भी उसके दिल में एक एहसास रहता है कि अब भी कोई है जो मुझे बचा लेगा, अब भी कोई है जो मेरी मदद करने वाला है, और उसी का नाम खुदा है। और वो खुदा वो है जो अपने बंदे को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जहां दुनिया अपनी मसलहतों की वजह से या अपनी मकरो फरेबियों की वजह से इंसान का साथ छोड़ देती है, वहां वो खुदा इंसान को बढ़ के आगोश में उठा लेता है कि मेरे बंदे न घबरा, मैंने तुझे पैदा किया है और मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा रब हूँ, मैं ही हूँ जो तुझे हर मौके पर सहारा देने वाला हूँ। लिहाजा इंसान जब किसी ऐसे सहारे को रखता है तो दुनिया कितना ही उसको तन्हा क्यों न छोड़े, लेकिन वो एहसास से तन्हाई नहीं करता। नहीं, उसको मालूम है कोई है जो मेरे साथ है, कोई है जो हर लम्हा हमारी निगहदाश्त कर रहा है, वो जो माँ और बाप से कई गुना ज्यादा हमें चाहता है, वो जो उस वक्त भी हमारी परवरिश कर रहा था जब न माँ कुछ कर सकती थी न बाप कुछ कर सकता था, और वो जो उस वक्त भी हमारे साथ रहेगा जब न माँ कुछ कर सकेगी न बाप कुछ कर सकेगा। वो खुदा इतना करीम है कि जो उस दिन के जिस दिन के लिए कुरान मजीद ने जब शान से गुफ्तगू की कि फैदा जाति साखा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल इम्रिम मिनहुम शानुन युग्नी यौमयज़िन शानुन युग्नी, जब कयामत आएगी, जब वो चीख सुनाई देगी तो उस दिन हर इंसान एक दूसरे से फरार करता नजर आएगा। इंसान अपने दोस्त से भागेगा, अपनी अपने माँ और अपने बाप से भागेगा, अपनी माँ और अपने बाप से फरार इख्तियार करेगा, जौजा शौहर से फरार करेगी, शौहर जौजा से फरार करेगा, माँ बेटे से फरार करेगी और बेटा माँ से भागेगा। उस दिन हर एक के लिए अपनी एक शान होगी कि जो उसी में लगा होगा, किसी को किसी की फिक्र ना होगी, नफसी नफसी का आलम होगा। ऐसे मौके पर भी कोई होगा, ऐसे मौके पर भी कोई होगा कि जो इंसान को ढारस देने वाला हो, वो कौन सिवाय खुदा की और कौन है जिसने अपने बंदे को पैदा किया और जो हर लम्हा उसको देख रहा था, जिसने एक मुख्तसर से फुकरे में अजीब गुफ्तगु की कि मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लहू। तवज्जो करें कि मन काना लिल्लाह काना अल्लाह लहू, जो अल्लाह के लिए हो गया अल्लाह उसके लिए हो गया। एक लफ्ज है लेकिन कितना वसीउल माना है, कितना दिल को ढारस देने वाला है कि मन काना लिल्लाह, कोई कैद नहीं है, आलिम हो जाहिल हो, गोरा हो काला हो, यहां का हो वहां का हो, कोई कैद नहीं है। मन काना लिल्लाह, जो अल्लाह का हो गया, जिसने अपने आप को मालिक के लिए वक्फ कर दिया, तो आवाज आती है कि कान अल्लाह लहू, अल्लाह भी उसके लिए हो गया। और जब अल्लाह किसी के साथ हो जाए तो फिर कौन सी ताकत है जो उसको किसी मकाम पर शिकस्त दे सके। फिर नौबत यह आती है कि इंसान गाफिल है वो मुतनब्बे है, इंसान सो रहा है वो जाग रहा है, इंसान लापरवाह है वो मुतवज्जे है, इंसान ज़ईफ है वो कवि है, इंसान जाहिल है वो आलिम है। इंसान को दुनिया की मकर व फरेबियां नहीं मालूम, लेकिन वो खैरुल माकिरीन है, वो सब जानता है। वो जब किसी को बचाने पर आ जाए तो अशरफुल मखलूक को अज़ाफुल मखलूक से बचाता है। नहीं, मेरी बात वाज़े नहीं हुई। पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जब ग़ार-ए-सौर में जाकर के पनाह लेते हैं,
तो हुक्म होता है कि मकड़ी से के जाला तन दे। उसने जाला बुन दिया, मकड़ी का जाला कि जिसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, फूंक दीजिए तो खत्म हो जाए। इतना ज़ईफ, इतनी ज़ईफ मखलूक, अज़हफुल मखलूक, और उसको इंतखाब कर रहा है मालिक अपनी अशरफुल मखलूक को बचाने के लिए। हमारी कुदरत को पहचानो, लिल्लाही जुनूदु समावाती वल अर्द, जो भी जमीन और आसमान में है सब अल्लाह की जुन है, सब अल्लाह का लश्कर है। हमारे लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है कि हम तुम्हारे सहारों के मोहताज बने। तुमने देखा ये मामूली सा जाला भी फरिश्ता सवाल करता है, परवरदिगार इसके जरिए से बचाएगा। क्या समझते हो, जाके देखो। अब आकर के जूझ गया मलक, लेकिन एक तार ना तोड़ सका, एक तार ना तोड़ सका। क्या जब हम बचाने पर आ जाए तो अशरफुल मखलूक को अज़ाफुल मखलूक से बचा लिया करते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद, बस मरहला ये है कि इंसान इस रिश्ते अब्द और महबूद की कद्र करे, इंसान इस रबूबियत, इस उबूदियत और रबूबियत के तकाजे को समझे कि ये क्या है, कौन सा वो तकाजा है, उबूदियत और रबूबियत है जिसके दरमियान ये इंसान गुजर रहा है। इधर उबूदियत ही उबूदियत और उधर रबूबियत ही रबूबियत। अगर इंसान ने अपने तकाजाए उबूदियत को पूरा कर दिया तो यकीन रखे कि वो तकाजाए रबूबियत का पूरा करेगा। कमी हमारी तरफ से हो सकती है, कमी उसकी तरफ से नहीं है। उसका खजाना ऐसा नहीं है जो देने से कम हो जाए, उसका खाने करम ऐसा नहीं है जो बांटने से घट जाए, नहीं वो बांटता जाता है, उसका करम बढ़ता जाता है। तो ये मैं रवायात हदीस और दुआओं की बुनियाद पर अर्ज कर रहा हूं, जिसको मासूमीन ने फरमाया कि वो बांटता जाता है, उसके करम में इजाफा होता जाता है। सिर्फ वही एक ऐसी शय तो है जहां कोई कमी वाक नहीं होती कि जब देने पर आता है तो दोस्त को भी देता है, दुश्मन को भी अता करता है। वो वही होता है जो फिरौन को भी पाल रहा है, मूसा को भी पाल रहा है। जो दोस्त और दुश्मन दोनों को जब मंजिल रज़ाकियत पर आता है तो कभी नहीं देता, और अगर दुश्मन भी उससे लौ लगा ले, अगर दुश्मन भी उससे लौ लगा ले तो उसकी भी कद्र करता है और मौका देता है कि अब भी पलटा, अब भी पलटा। जनाब मूसा ने अपने कौम से ये कहा कि कल मसलन फला दिन अजाब आने वाला है, कौम मुंतजर है, बाहर निकल गए सब कि अजाब आने वाला है, अजाब नहीं आया। अब पूछा परवरदिगार ये क्या हुआ कि अजाब का मैंने वादा दिया था, तूने कहा था क्यों नहीं आया। क्या मूसा तुम तो वादा दे करके जाके सो गए, लेकिन वो बंदा जो अपने आप को खुदा कहता है रात की तारीकी में बाला खाने पर गया और हाथों को उठा दिया, मालिक हकीकत तो तू जानता ही है, लेकिन जब तौबा न कर सका। तो आपने सुना जब तौबा न कर सका और परवरदिगार ने हुज्जतों को तमाम कर दिया तो एक उसी पानी में जहां से मूसा गुजरे हैं उसको कर करके बताया, जब हम बचाने पर आएंगे तो अपने अजाब से भी बचा लेंगे, जब घर करने पर आएंगे तो यहां भी घर कर देंगे। मोहम्मद थोड़ा थोड़ा सा और सिमट जाए, है इम्कान है, गुंजाइश है।
आसन में ऐसा अगर आप लोग सिमट जाएंगे तो बाहर लोग जो खड़े हैं ठंड में उनको कुछ थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आलिम। बहरहाल तो इंसान अपने तकाजा उबूदियत को पूरा करे, और अगर इसने इस तकाजे को पूरा कर लिया तो फिर उसके यहां से अता में कोई कमी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई तकाजे और उबूदियत को आज पूरा करे और वो दो साल के बाद अता करे, नहीं नहीं उसी वक्त। जनाबे मूसा ही सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, परवरदिगार तू दूर है तो उसको पुकारूं, या तू करीब है तो उसे चुपके से गुफ्तगू करूं। आप लहजा देख रहे हैं, एक बंदा जब वजद में आता है, जब वजद में आता है और एहसास शीरीनी करता है अपने मालिक से हम कलाम होने के लिए, इसलिए कि ये कलीम खुदा है, ये वो है जिससे मालिक ने गुफ्तगू की है, तो आवाज देते हैं तू दूर है तो उसको पुकारू सदा दू, या तो करीब बैठा है तुझे चुपके से गुफ्तगू करूं, तो आवाज आई मूसा अना जलीस मन दकरनी, जो मुझे याद करता है मैं उसके पास बैठा होता हूं, वो मुती मन अतानी, और जो मेरी इताअत करता है मैं भी उसका मुती बन जाता हूं। यहां हमें जरा सा कुछ मिल जाए, चंद कलमे सीख लिए तो अब इतना अकड़े कि अब आबा पर शिकन नहीं आनी चाहिए। अब बराबर में अगर कोई गरीब बैठा भी है तो समेट रहे हैं अपने आप को, ये इंसान की कमजोरी की अलामत है। एक शख्स है पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, नमाज का और वो बैठा हुआ है, कोई है अमीर अरब, कोई है अरब का अमीर जो समझता मुझसे बड़ा कोई नहीं है, उसके बराबर में एक गरीब आकर के बैठा, क्योंकि दो ही मकाम है जहां अमीर और गरीब नहीं रहता, जहां अमीर और गरीब नहीं है, या नमाज है या मजलिस है, न यहां कहीं आगे पीछे है न वहां कहीं आगे पीछे है। और यह भी मुमकिन है किसी गरीब का कदम हो किसी अमीर का सर झुके, क्योंकि जब उसकी बारगाह में आ रहे हो तो सबसे बड़ा अमीर वो है, हमारी बारगाह में कोई नहीं। तो खुतबा दे रहे हैं, एक शख्स बैठा है दौलतमंद, उसके बराबर में आकर के एक गरीब इंसान बैठा, उसने अपने कुर्ते को समेटा, कहीं ऐसा ना हो इसके लिबास से भरी हुई खाक हमारे कपड़े में भर जाए। पैगंबर अकरम ने इस अमल को देखा, पेशानी का बल पड़ गए, उस अमल से पैगंबर की पेशानी का बल पड़ गए। मैं आपसे सवाल करूंगा कि पैगंबर सिर्फ उसी वक्त नाराज हुए थे या आज भी होंगे? ये सरकार का अमल उसी एक इंसान के लिए मखसूस था या आज भी आएगा? नहीं, आज भी मौजूद है। अगर हमने अपनी दौलत और सर्वत के जोम में किसी गरीब की तौहीन की तो पैगंबर आज भी नाराज होंगे। पैगंबर की पेशानी में बल बहुत है, उसने महसूस कर लिया कि सरकार बिगड़ गए, हाँ जो दिए रसूल खुदा मुझसे यह गलती हो गई, जो करेंगे मुझसे यह गलती हो गई, मैं इसकी माजरत चाहता हूं और इसका कफारा देना चाहता हूं। क्या देना चाहते हो कफारा? का मैं अपनी आधी दौलत इसको दे रहा हूं, कोई हो भी तो इतना जियाला, मैं अपनी आधी दौलत एक पंचम तो खुदा को देते नहीं, मेरा से आधी दौलत का आधी दौलत मैं उसको दे रहा हूं। लखों का मुस्कुराहट आई, का दो अगर ले ले तो दे दो, तो कीजिएगा अगर ले ले तो दे दो। उसने घूम के पूछा कि मैं अपनी आधी दौलत तुमको देने के लिए आमादा हूं, इसे कबूल करते हो? का नहीं। तो करेंगे, गरीब है लेकिन जलील तो नहीं है। पैगंबर की तरफ तो देखा, सरकार ने मुझे क्यों कबूल नहीं है? सरकार मुझे खौफ इस बात
लेकिन वो परवरदिगार है कि जिसके सामने ना गरीब की कोई हैसियत है ना अमीर की कोई हैसियत है, सब उसके सामने बंदे हैं। ये तुम्हारी दौलत है, तुमको मुबारक हो। और इसका पहला करिश्मा पास से बात निकल रही है, मैं यहां तक नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन पहला मजहर अगर आप देखना चाहें कि उसकी बारगाह में सब बराबर है, इसका पहला मजहर कि जहां से यह बात समझ में आती है, पहला मरहला कहां है मालूम है आपको? पहला मरहला कब्र है। कब्र में जब किसी को रखा जाता है और तलखीन पड़ी जाती, क्या कहा जाता है? इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, अरे फला इब्ने फला, मैंने अपनी इतनी उम्र में कोई किसी लकब को यहां पर नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो बताए। ए फला डॉक्टर साहब, फला इंजीनियर साहब के बेटे, ए फला कमांडर साहब, फला साहब के बेटे नहीं, ए आयतुल्ला है फला फला आयतुल्ला के बेटे नहीं, ए फला इब्ने फला सीधा नाम। शायद एक इशारा ये भी हो, जितने अलकाब थे वही रह गए, बिल्कुल हकीकत है। आप इसको जहन में रख ले कि बिल्कुल हकीकत है कि जितना जितने जिस शख्स ने जितना तकाजा है उबूदियत को पूरा कर दिया। मेरे बच्चों, मेरी इस तकरीर को जाया ना होने देना कि जहां पर हम सिर्फ एक पैगाम है कि अपनी तरफ से उस तकाजा है उबूदियत को पूरा कर दो जो तुमसे तुम्हारा परवरदिगार चाहता है। और फिर देखना वो तकाजा है उबूदियत को ऐसा पूरा करेगा कि दुनिया अंकुश बदंदा रह जाए, दुनिया हैरान होती रह जाएगी कि हो जा रहा है, समझ नहीं सकेगी दुनिया कि ये इंसान कहां से आगे बढ़ रहा है। वो आवाज देता है, अगर जमीन और आसमान सब मिल करके मेरे बंदे का रास्ता बंद करें, हदीस कुर्सी पढ़ रहा हूं, अगर जमीन और आसमान सब मिल करके मेरे बंदे का रास्ता बंद करें और बंदा मुझसे उम्मीद लगाए रहे तो मैं उसको रास्ता दूंगा। और अगर जमीन और आसमान सब मिल करके मैं किसी की मदद करना चाहे और वो बंदा हमसे उम्मीद ना लगाए तो मेरा ऐसी वादी में हलाक होगा, मुझे परवाह भी नहीं होगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो इंसान अपने तकाज़ाए उबूदियत को पूरा करे, और दुनिया में जो भी है वो सिर्फ उबूदियत का नतीजा है। क्योंकि आखिरी गुफ्तगू ही रहा था, मैं समेट करके बातों को लाना चाह रहा हूं कि दुनिया में जो भी है सब उबूदियत का नतीजा है। इमाम ने फरमाया, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इन्नल उबादा सलासा, इबादत करने वाले तीन किस्म के हैं। तवज्जो करें, इबादत करने वाले तीन किस्म के हैं। कौमुन अबदुल्लाह खौफन, कुछ वो हैं जिन्होंने परवरदिगार की इबादत की है खौफ की बुनियाद पर। फतिल का इबादतुल अबी, ये इबादत है गुलामों की कि जो खौफ की बुनियाद पर हो रही है। वह कौमुन अबदुल्लाह तलब सवाब, बाज वो है एक ग्रोह वो है जिसने परवरदिगार की इबादत की है सवाब को लेने के लिए। फतिल का इबादतुल ओजरा, ये ताजरों की इबादत है। कुछ लोग कुछ तो ये ताजरों की इबादत है, लेकिन कौमुन अबदुल्लाह हुब्बल्लाह, लेकिन बास वो है जिन्होंने उसकी मोहब्बत में इबादत की है, उसकी मोहब्बत में इबादत की है। फतिल
गई, सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद राज। और यहां पर तफसील चाहिए, लेकिन मैं आपकी समाहत भरोसा करते हुए गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं बगैर किसी तमहीद के, एक हदीस और उसी पर बना रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अल रुबूदियत जौहरतुन, कौन हो हर रुबूबिया, तवज्जो चाहता हूं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अल रुबूदियत जौहरतुन कौन हो हर रुबूबिया। रुबूदियत एक ऐसा जौहर है जिसके कौन में रुबूबियत पोशीदा है। नहीं, मेरी बात वाजे नहीं हुई, और अभी मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं समझ सके कि रुबूदियत एक ऐसा जौहर है जिसके तह में रुबूबियत पोशीदा है। इसके माने क्या है? जितना तुम रुबूदियत करते जाओगे उतना वो तुम्हारे अंदर रुबूबियत को बढ़ाता जाएगा। नहीं, मैं नौ तक दहाड़ तकरीरों में यह कह रहा था कि तुम तकाजाए रुबूदियत को पूरा करो, खुदा को पूरा करेगा। नहीं नहीं, यहां बात और आगे है, तुम तकाजाए उबूदियत को लाओ, हम तुम्हारे अंदर रुबूबियत रखेंगे। सलावत पढ़े ना मोहम्मद आले मोहम्मद। ऐसा नहीं है कि तुम तकाजाए उबूदियत रुबूबियत को पूरा करोगे तो हम रब होकर के तुम्हारे तकाजों को पूरा करेंगे। ये तो है ही है, लेकिन इससे बुलंद मंजिल आएगी कि जितना तुम आबिद बनते उतना ही तुम्हारे अंदर सिफात रुबूबी पैदा होते जाएंगे। तुमने जो उबूदियत की है, इस उबूदियत के नतीजे में खुदा तुम्हारे अंदर सिफात रुबूबियत रखेगा। अच्छा, और एक हदीस और बयान करूं ताकि बात वाज़े हो जाए। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी के लिए मैंने इससे पहले कहा है, मुझे याद आ रहा है, लेकिन सिर्फ इशारा कर रहा हूं। हदीस कुदसी यानी अल्लाह का वो कलाम जो कुरान नहीं है, अल्लाह का वो कलाम जो कुरान नहीं है। परवरदिगार फरमाता है, यबना आदम खलक्तुका लिलबका, ऐ आदम के बेटे मैंने तुझे पैदा किया है बाकी रहने के लिए, तुझे पैदा किया है बाकी रहने के लिए। अना हय्युन लामूत, मैं ऐसा जिंदा हूं जिसे कभी मौत नहीं आने वाली। खुदा कह रहा है कि मैं ऐसा जिंदा हूं जिसे कभी मौत नहीं आने वाली। अतेउनी फीमा अमरतुका बिह वंतही अम्मा नहयतुका अन अजअलका मसली हय्यन ला तमूत, ऐ आदम के बेटे मैंने तुझे बाकी रहने के लिए पैदा किया है और मैं ऐसा जिंदा हूं जिसे कभी मौत नहीं आती। सुन, मेरी इताअत कर जिसका मैंने हुक्म दिया है। तवज्जो करिए, सुन मेरी इताअत कर जिसका मैंने हुक्म दिया है और जिससे मैंने रोका है उससे रुक जा, मैं तुझको अपनी मिसाल बना दूंगा, मैं तुझको अपनी मिसाल बना दूंगा, फिर तू ऐसा जिंदा बनेगा कभी ना मरेगा। आज आना का मतली है अल्लाह तमूद, तुझको ऐसी अपनी मिसाल बनाऊंगा कि तू ऐसा जिंदा होगा कभी भी तू ना मरेगा। इस सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले। बस यही मेरी आखिरी मंजिल गुफ्तगु की, चूंकि शबे आशूर है, ज्यादा वक्त लेना चाहता, गुफ्तगु संजीदा भी चाहिए कि मुस्कुराहट भी ना आने पाए। अजीजो, एक कदम और आगे बढ़ी हदीस और आवाज दी, अनल्लजी अकूलु लिश्शैए कुन फयकून, अतिअनी फीमा अमरतुका बिह अजअलका मसली कुन लिश्शैइन कुन फयकून, तकूल लिश्शैइन कुन फयकून। ए मेरे बंदे, मेरी शान ये है कि अगर मैं किसी चीज से कहता हूं हो जा तो हो जाती है। तवज्जो करेंगे, अगर मैं किसी चीज से कहता हूं कि हो जा तो हो जाती है, जिसका मैंने हुक्म दिया है उसमें मेरी इताअत कर, मैं तुझको अपनी मसल बनाऊंगा। और मसल कैसे बनेगा? फिर तू कहेगा कि हो जा तो हो जाएगी। दिया है कि मैं तुझको ऐसी अपनी मिसाल बना
ये कलाम है रब्बानी है, कोई अफसाना नहीं है, ये मालिक का कलाम है। यहाँ परवरदिगार फरमा रहा है, इसके माने ये है, अगर किसी ने उबूदियत के तकाजे को पूरा किया